बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। लॉकडाउन है, बाहर जाना ना बंद है, घरों में ही लोग बैठे हुए हैं। और ऐसे में अगर तो ये घर में बना हुआ ये दाल गोश्त का जो तरीका है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन तरीका है और बहुत अच्छा बनता है ये दाल गोश्त। मुंबई के बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट की रेसिपी है, सीक्रेट रेसिपी है जो आज आपके साथ में हम शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए जिन अज़ा की जरूरत होगी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने लिया है यहाँ पर बकरे का मटन है, ईरान का गोश्त है और ये 1/2 kg। इसके बाद हमने लिए मसूर की दाल, मसूर की दाल में ही बनाया जाएगा ये, इसमें और कोई दालें यूज नहीं होगी। और ये 1/2 kg है, 50 ग्राम। एक लौकी ली हमने 1 kg की, इसमें से साफ करने के बाद में वो 1 किलो या 1/2 किलो हो जाएगी। टमाटर लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज के, जो मोटे मोटे कट कर लिए हमने। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है। इसके अलावा जो पीसे हुए मसाले हैं उसमें है हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ये है धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून है, ये लाल मिर्च पाउडर है 2 टेबल स्पून है, ये घर का बना हुआ मिक्स मसाला है ये 2 टेबल स्पून है। इसके अलावा हमें कुछ गरम मसाले लगेंगे जो हम बाद में पीसेंगे, मतलब दाल गोश्त जब तैयार हो जाएगा उसके बाद में पीसेंगे। वो पीसने वाले मसाले जो है उसमें है सफेद जीरा 1 टेबल स्पून, 5-6 लौंगे है, 4 हरी इलायची है, 1 जावित्री का टुकड़ा है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, ये सूखी लाल मिर्च हमने रखी है जो कि हम बाद में बघार के लिए यूज करेंगे, 2 तेज पत्ते हैं, दालचीनी जो है उसकी एक बड़ा टुकड़ा था उसको हमने 4-5 टुकड़ों में बांट लिया है, और ये जो है शाहजीरा है ये 1 टेबल स्पून है, इसके अलावा 2 काली मिर्च है और 1 बादियान का, ये हमने लिए है हरी मिर्च है ये साबुत ही डालेंगे, और हमने कैरी ली है। कैरी की जगह आप इमली का पल्प भी यूज कर सकते हैं या अगर आप चाहो तो आमचूर पाउडर या आमचूर भी यूज कर सकते हो, कटाई के लिए आप कोई भी चीज यूज कर सकते हो। अभी कैरियों का सीजन है इसलिए हमने कैरी किया। ये 3 अदद प्याज है, बड़ी साइज की प्याज है, इसको स्लाइस में हमने काट लिया है। ये हरा धनिया है, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। आधा जो है हम पकने में डालेंगे, जब गोश्त भूनेंगे तब डालेंगे, और आधा जो है पकने के बाद में ऐड करेंगे। इसके अलावा नमक है और तेल, इन अज़ा की हमें ज़रूरत होगी। लेकिन अब जो है इसका बनाने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। हमने दाल को ऐसे ही निकाल के रखा है, इसको धोया नहीं है। तो दाल को क्या करना है कि पहले आप इसका 3 गुना पानी ले लें, जितनी दाल है उसका 3 गुना पानी आपको करना है, यानी हमारी 1/2 किलो दाल है आपको 1/4 किलो पानी लेना है। वो तो पानी में आपको डालना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच तेल, और उसके बाद में ये दाल को जब पानी जोश आ गया तब धोना है, और पहले धो के नहीं रखना है ना भिगोना है, सिर्फ उसको क्या करना है उसी वक्त धोना है जब पानी में जोश आ जाए, उबाल आ जाए, तब पानी में ये दाल को धो के डाल देना है। कुकर की सीटी बंद कर देना है, कुकर की लीड बंद करना है, 4 सीटी देना है और उसके बाद में गैस को ऑफ कर देना है। लौकी को हमने अभी इसलिए नहीं छीला है क्योंकि लौकी को जब हम छीलते हैं, पीसेस करते हैं और पानी में डाल के रखते हैं तो लौकी जो है वो अच्छे से नहीं गलती। हम क्या करेंगे जब हमारा गोश्त जो है 90% कुक हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, लौकी को छील के भले आप रख दो लेकिन पीसेस को पानी में नहीं डालना है। उसके बाद में हम पीसेस करेंगे और वो गोश्त के साथ में भुना जाएगा, तब हमारा जो है लौकी जो है ये गुदी जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको आप जो है अपना कर इस दाल के को, इस दाल गोश्त को बहुत अच्छा बना सकते हो। अब हम जो है बघार का प्रोसेस आपको नाजरीन, हमने ये देखी रख दी है गैस पे, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, ऑयल हमने डाल दिया है इसमें तकरीबन 150 ml करीब ऑयल है, ये मूंगफली का तेल है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे इसमें प्याज डालेंगे, पहले हम देखते हैं तेल गर्म हुआ है या नहीं, थोड़ा सा गर्म हुआ है थोड़ा और होने देते हैं, गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं, और ये प्याज को हमको ना ब्राउन करना है और ना इसको कलर चेंज करना है, बस इसको क्या करना है, इसकी भी एक ट्रिक है कि इसको क्या करना है कि जैसे ही हमने इसमें डाला है ना, इसको तेल में डालेंगे ना तो उसको बस हल्के हल्के से उसको मूव करना है, दबाना है, कुचलना है और चलाते रहना है,
और उसके बाद में फिर जब ये थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, कलर चेंज कर दें सॉफ्ट हो जाए, तब हमको क्या करना है गोश्त ऐड करना है। अभी हो गया तेल गरम, अभी हम ये प्याज डाल देते हैं, बिस्मिल्लाह डालते हैं। अब उसको क्या करना है कि ये इस तरह से पकाना है, इसको ज़्यादा ये इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से इसको तेल में मतलब तेल में कुचलना है, इस तरह से देखी में प्याज को कलर चेंज करना है या जो भी इसको सॉफ्ट करना है। अभी थोड़ी देर पकने देते हैं फिर आपको दिखाना। नाजरीन ये प्याज जो है थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, बस इतना ही करना है, हमें इतना ही पकाना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम क्या करते हैं इसमें गोश्त ऐड करते हैं, मसाले हम बाद में ऐड करेंगे, पहले गोश्त डालते हैं। अब इसमें हमको ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च। मसाले बिल्कुल भुने नहीं है, साथ में गोश्त के ही भुनेंगे। पहले अदरक लहसुन हम भून लेते हैं तो उसकी जो है भू जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस तरह डालने से मसालों को जो है ज़्यादा भूनना पड़ता है, तो उसको अच्छे से भूनेंगे। पहले अभी तो ताकि उसको पकने देते हैं, इसका पानी खुश्क हो जाएगा तब भूनेंगे। अब जो दूसरे मसाले हैं वो ऐड, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये अब इसमें हम थोड़ा हरा धनिया ऐड करते हैं, अभी हम टमाटर भी ऐड करते हैं, नमक डालते हैं, इसमें पानी वगैरह को ऐड नहीं करना है, बस ऐसे ही इसको स्लो करके और पकने के लिए छोड़ देना, सब कुछ ही पानी रिलीज होगा उसके बाद में आपको। नाजरीन ये मसाले को पकते में 10 मिनट हो गए हैं और अब जो है हम इसको चेक कर रहे हैं, तो इसमें पानी छोड़ दिया है गोश्त ने, टमाटरों का भी पानी है, प्याज का भी पानी है और ये अच्छे से पक रहा है। इस पर ऐसे ही हम लोग चलाते हुए क्या करेंगे, पकने देंगे अच्छी तरह से, पूरी प्याज जो है वो और इस पर मैश हो जानी चाहिए, टमाटर भी हमारे गायब हो जाने चाहिए और उसके बाद में गोश्त हमारा गल जाए तब हम उसको निकाल देंगे। और उसको आप लोग कह देंगे कुकर में क्यों नहीं बनाते, कुकर में ये भूनने नहीं आते, कुकर में हम बना तो लेकिन जो है ये प्याज भी साबुत ही रहेगी, टमाटर भी ऐसे ही रहेंगे और गोश्त जो है कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा इतना मैश हो जाता है, इतना गल जाता है कि गोटियाँ भी नज़र नहीं आती, पूरी हड्डियाँ हड्डियाँ दिखाई देती है, तो इसलिए हम जो है देखी बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह से इसको बंद करके रखते हैं ढाके और थोड़ी थोड़ी देर के बाद में हम चलाते रहेंगे और जब अच्छे से हमारा भूल जाएगा ये गोश्त। तो हम नाजरीन ये गोश्त को जो है पकते हुए आधा घंटा हो गया है और हमने इसके दरमियान में दो तीन बार चम्मच से चला लिया था, इसको भूना है अच्छे से और अब इसमें जो है प्याज जो है नज़र नहीं आ रही है और टमाटर भी इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं, मसल नीचे से चलने लगा है। हम क्या करते हैं इसमें पानी डाल देते हैं और गोश्त करने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि गोश्त पूरी तरह से गला, अगर पहले पानी डाल दोगे तो फिर आपको ये जो है प्याज वगैरह जो है वैसे ही नज़र आएगी, लेकिन अगर आप इस तरह से बाहर पानी को भूनोगे तो ये जो है पूरी अच्छी तरह से मैश हो जाएगी। उसमें पानी डालते हैं, ये आधा गिलास पानी डालते हैं, इसमें गर्म पानी और उसको फिर पकने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब इस मिनट में गोश्त जो है हमारा गल जाएगा, उसके बाद में फिर हम लौकी डालेंगे। अगर आप चाहो तो दाल जो है आपकी गल चुकी होगी तो दाल में भी आप लौकी को एक जोश लेकर एक सीटी देकर उतार सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छी तरह से गल जाए कुकर में, कुकर में हमारी दाल जो है अच्छी तरह से गल गई है, ऐसे ही रखना है बस उसको और उसमें डालना है पानी वगैरह। नाजरीन ये हमारा जो है गोश्त गल तकरीबन गल चुका है, अब हमको इसमें जो है लौकी शामिल करनी है और जो कैरी है वो भी शामिल करनी है और हमने जो मसाले ना बताए थे आपको गर्म मसाले उसमें सिर्फ आधे मसाले जो है अभी इसमें और बाद में ऊपर से आधे मसाले डालेंगे, मसाला जो पिसा हुआ है वो आधा भी डालेंगे और आधा से बाद में डालेंगे और ये लौकी जो है अभी हम डाल देंगे, क्योंकि गोश्त जो है हमारा तकरीबन गल गया है अच्छी तरह से और सॉफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसी के साथ में जो है वो जैसे और हो जाए। और जो हमने कैरी रखी है कैरी भी अभी हम डाल देते हैं इसमें, वो भी गल जाएगी, इसको थोड़ा चला लेते हैं और
गैस की फ्लेम को तेज करो और ये खैरी गैस शामिल करो। अगर इमली का पल्प डालना हो तो फिर दाल डालने के बाद में डालें आप। खैरी जो है अभी सॉफ्ट हो गई, अपनी खटास छोड़ेगी तब तक लौकी डाल देंगे। और चलो कहते हैं कि खटास डालने से जो है तरकारी गलती नहीं है, लेकिन ये गल जाएगी क्योंकि अभी जो है इसमें खटास छोड़ने में टाइम लगेगा। इसमें हमारी लौकी है अच्छे से गल जाएगी। हम इसको ढक्कन देकर लगाकर और इसको 10 मिनट तक छोड़ देंगे। लौकी का पानी भी रिलीज हो जाएगा और लौकी गल गई फिर आपको देखना। नाज़रीन ये दाल जो है अभी जो है पकते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से गल गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें दाल मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से गल रही है, बस और ज़्यादा जो चलाएंगे तो उसको नज़र नहीं आएगी, भूल जाए। अब हम इसमें दाल देते हैं, हमारे दाल है और आपने इमली डाल ली है तो अब ये दाल डालने के बाद में इमली डाल कैरी से पहले डालती हूँ ताकि नीचे में बहुत अच्छा पानी डालेंगे और फिर थोड़ा गर्म करके अच्छा पानी में मिक्स कर लेंगे। तो गाढ़ा है ये दाल का, कुछ क्या करते हैं उसका पानी डालेंगे और हरा धनिया जो है वो अभी और थोड़ा सा मिला देते हैं। नमक मिर्ची इस वक्त में आपको चख लेना है। अभी जो हमने पिसा हुआ गरम मसाला आधा डाल लिया था उंगलियों में, अब ये थोड़ा सा मसाला है हमारे पास ये भी डाल देते हैं। हमें पूरा मसाला नहीं डाला है, आधा मसाला हमने बचा लिया है उससे, यानी कि जो आधा था आधे में से आधा यानी पाव हिस्सा और अभी पाव इस तरह से आधा हमने डाला है। आप चख के डालें, नहीं तो भी होगा कि गर्म मसाला बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपकी दाल जो है वो या दाल को जो है वो जायकेदार नहीं मिलेगी। और हमने क्या किया है कि अभी ये डालने से पहले मतलब गोश्त लौकी डालने के पहले जो है थोड़ा सा तो उसमें से ऑयल अलग कर दिया है जैसे ताकि जब हम लास्ट में सर्विंग करें तो हमारे साथ थोड़ा सा ऑयल ऊपर रहेंगे। इस तरह से करने से क्या होता है कि पूरा ऑयल जो है इसमें अभी गायब हो गया, लेकिन अभी हम सर्विंग के लिए निकालेंगे डिश में तो हमारे पास ऑयल जो है ऊपर नज़र नहीं आएगा। थोड़ा सा खाने के लिए शो के लिए या खाने के लिए ऑयल जो है ये सेपरेट कर दिया है, एक बोल में निकाल लिया है हमने इस तरह से। तो उसको हम लोग जब हम सर्व करेंगे तब आपको बताएंगे। और अभी हमको उसमें तड़का भी लगाना है, थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं, एक अच्छा जोश आने लगे हैं। और जब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं, तड़के के लिए हमने यहाँ पर जो है सूखी लाल मिर्ची और प्याज रखी हुई है और वो दिखाते हैं आपको। और ये जो है हरी मिर्ची जो है यानी साबुत डाली मिर्ची जोश आ जाएगा तब डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। दाल में जोश आने के बाद में ये हरी मिर्ची जो है ना और प्याज और मिर्ची का तड़का लगाएंगे और हरा धनिया जो है गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। ये जो ऑयल हमने निकाला है ये भी गार्निशिंग के लिए हमारा यूज होगा। दिखाते हैं आपको इसको जोश आने के बाद। ये हमारी दाल जो है बहुत अच्छे से जोश हो गई है, पक गई है और अब जो है ये हम इसमें मिर्ची डाल देते हैं। हरी मिर्ची हमने थोड़ा थोड़ा सा कीड़ा लगाए हैं, उसको पकाना नहीं है उसको, बस वो साथ में गर्म होती रहेगी और पकती रहेगी, ज़्यादा उसको पकाना नहीं होता। हमारी दाल जो है वो टिकी हो सकती है, थोड़ा पका के 2 मिनट के बाद में इसको आपको फिश आउट कर लेना है। अभी हम क्या करते हैं, ढक के रखते हैं और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आपको फिश आउट करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पर जो है तड़का भी तैयार कर लिया है, ये तड़का है प्याज और मिर्चों का, लाल मिर्ची सूखी और प्याज है, इसको ऑयल में हमने अच्छे से पका लिया है और अब जो है हम आपको फिश आउट करके दिखाते हैं। तो लीजिए नाजरीन, हमारा ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, बहुत अच्छा दाल गोश्त रेस्टोरेंट स्टाइल तैयार है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली को खिलाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि ये दाल गोश्त आपको कैसा लगा। बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखें, अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।